हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसका आपको भी वीडियो देख के दिमाग चकरा जाएगा। तो हुआ ये कि मैं अभी थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा थोड़ा यूट्यूब चलाया जाए। यूट्यूब चलाते टाइम मेरे को एक ऐसी वीडियो दिखी जिसमें एक औरत ने अपने बेबी को सबसे पहले, जब बेबी आफ्टर 6 मंथ का हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट फूड उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आएगा? मिठाई यानी खीर। जब भी हम अपने बेबी को फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम उसे खीर खिलाते हैं। ये 100% फैक्ट है, बेबी को सब लोग सबसे पहले मीठा ही खिलाते हैं। बट आप लोग जब चौंक जाओगे, जब मैंने देखा कि वो औरत अपने बेबी को फर्स्ट फूड में क्या खिलाती है, नमक की दाल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। प्रिया एंड रोहन, आपके बेबी को 6 मंथ कंप्लीट होने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बच्चा ऐसे ही दिन रात चौगुनी करे तरक्की और उसका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहे। बट आप अपनी हरकतों को सुधार लीजिए क्योंकि आपकी हरकतों का इफेक्ट बच्चे की बॉडी पे जरूर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए लाइक। और इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि मैं वीडियो देख रही थी तो सडनली मैंने देखा कि प्रिया ने टाइटल डाला था कि मैंने अपने बच्चे को खिलाया नमक का खाना। तो मैंने सोचा कि यार नमक का खाना है, हाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई। बट जब उसने बोला कि मैं आफ्टर 6 मंथ बाद अपने बेबी को फर्स्ट फूड सेरेमनी में नमक की खिचड़ी नहीं दाल खिला रही, तो यार कि मेरे को पता था कि इस औरत में दिमाग के नाम पर कुछ नहीं है। बट मुझे इतना भी नहीं पता था कि इस औरत में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मतलब ये सोचिए, बच्चे को जब फर्स्ट फूड होता है तो लोग खीर खिलाते हैं, अगर ज़्यादातर तो हलवा भी खिला देते हैं, बट यूजली लोग खीर ही खिलाते हैं। बट इन मैडम का अलग ही चलता है, इन्होंने बच्चे को खिलाया वो भी नमक वाला दाल। तो ये हो गया। अब ये लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मसूर की दाल, क्योंकि अपने बेटे के लिए नमक वाली जो दाल बनाई थी वो नमक वाली दाल की पूजा तो हो चुकी है। कहने अन्नपूर्णा महारानी, बस अपने बेटे को पहली बार नमक खिलाने जा रही हूँ, तो भगवान ने बस सब कुछ अच्छा रखे। कैसा हो गया ये देख लीजिए, क्या क्या करना है। और मसूर की दाल यहाँ पे मिक्स मिली है, ये मैडम का कुकर है। चुको देती हूँ, मूंग की ज्यादा मसूर की हल्की है, तो दोनों मिक्स दाल है। तो उसमें मैं हल्की सी ये हल्दी, एकदम हल्के से चुटकी भर मैं हल्दी डाल दी हूँ, और एकदम हल्का सा नमक, ये नमक डाल देती हूँ, बस ज्यादा नहीं डालूंगी। मैंने डाल दिया है, ये देख लीजिए आपको। अब वो क्योंकि कुकर है, ये देखिए भगोने में ये यहाँ पे रखी हुई थी, मैंने थोड़ी सी इसमें बाबू के लिए मैंने डाल दी है। तो अभी हम दाल को निकाल लेते हैं, देखा आपने कितना ड्रामा करती हैं ये लेडीज़।
मतलब भगवान का, पहली बात तो ये बोल रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है इस रिचुअल को करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका जितना बजट है तो आप खीर बना के भगवान जी को भोग दे के जरूर, अगर आपको कैमरे में शूट करना है तो आप एक जगह कैमरे को अच्छी तरीके से सेट कर दीजिए, उसके बाद अपना आप पूजा कीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से फिर आप बाद में भी बता सकती हैं। बट इन मैडम का कैमरे पे ज़्यादा फोकस है और भगवान जी को कम है, मैं इसीलिए बोलती हूँ। और मैं बहुत कम, जब भी मेरा पूजा का कुछ रहता है मैं कभी इतना शूट नहीं करते जब पूजा करते टाइम, क्योंकि हमारा माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेट कैमरे पे रहता है, हम भगवान के लिए जो 10 मिनट की आस्था होती है हम वो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा कैमरे को दूर रखिए, आप अपना काम कीजिए, आपका भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसको अच्छी तरह से कीजिए। ये औरत ये नहीं देख रही है कि हम अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम कुछ भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके लिए शिद्दत से भगवान को थैंक यू बोले, नहीं, पूरा फोकस कैमरे पर है, उसके बाद ये कुछ करेंगी मैडम। अब सेकेंड हो गया मेरा, इन्होंने अपनी वीडियो में बच्चे को पता नहीं, इनको खुद नहीं पता है कि कितने मंथ का हो गया, हालांकि माँ है पता तो होगा, बट बोल क्या रही है, ये यहाँ झूठ बोल रही है। कभी बोलते हैं मेरा 6 मंथ का हो गया, कभी बोलते हैं 6 हाफ हो गया, कभी बोलती है 7 मंथ का हो गया है। तो मैडम पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि बच्चों को आपको कितना टाइम का बताना है, और आपको बेटर पता होगा कि आपके बच्चा कितने मंथ का हो गया। तो फ्रेंड्स मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इस औरत के दिमाग का हम कुछ भी नहीं कर सकते, आए दिन बेहुद ये वीडियो बनाती रहती हैं ये मैडम, और इनका हर एक, इससे पहले मैंने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इनके इनका सेम ड्रामा फिर स्टार्ट हो गया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, दूसरा शादी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और ये अभी अपने घर से छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हुई हैं, उनके हस्बैंड इनके पास नहीं है, तब इन महारानी के पास इतने कपड़े हैं कि डेली कपड़े चेंज कर लेती हैं न्यू, बट इनके पास भगवान जी को भोग देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि ये पैसे होने पर वीडियो बना लेते हैं, सॉन्ग शूट कर लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, वो बात अलग है, बट इनके पास अपने खाने के लिए या भगवान के खाने के लिए पैसे नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इन लोगों की हिपोक्रेसी समझ में आ गई हो, और मुझे समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ से वो लोग जो इनकी वीडियोस देखते हैं, जो व्यूअर्स हैं, कहाँ कहाँ से लोग देखकर और उनको कमेंट सेक्शन में इतना ज्ञान दे के चले जाते हैं, अच्छा अच्छा इतनी चीज़ें समझने के बाद भी। तो भाई कुछ लोग मेरे भी यूट्यूब पर आकर थोड़ी बहुत वीडियो देख लिया करो, तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रियल में मिल जाएगा इस झूठे बेकार ज्ञान से। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वंदे मातरम, जय हिंद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।